इंडिया जिंदाबाद, नौसेना ने बचाई जान तो समंदर में नारे लगाने लगे पाकिस्तानी मछुआरे। वीडियो समंदर में भारतीय नौसेना डाकुओं के लिए काल बनी हुई है। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज को समुद्री डाकुओं के कब्जे से छुड़ाया और 23 सदस्यीय पाकिस्तानी चालक दल को भी सुरक्षित निकाल लिया। नौसेना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि अल कम्बर 786 जहाज का पाकिस्तानी चालक दल इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने 9 हथियारबंद समुद्री डाकुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। इन डाकुओं ने ही जहाज को हाईजैक कर लिया था। मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022 के मुताबिक भारत समुद्री डाकुओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगा। नौसेना ने कहा कि उसे एक ईरानी मछली पकड़ने वाली जहाज अलकमर 786 को हाईजैक करने की सूचना मिली थी। ये जहाज 28 मार्च को यमन में सोकोत्रा से 90 नॉटिकल माइल की दूरी पर था। नौसेना के मुताबिक दो जहाजों को अरब सागर में तैनात किया गया था। इन जहाजों ने हाईजैक किए गए जहाज को रोका। INS सुविधा और INS त्रिशूल इस काम में लगाए गए थे। नौसेना ने कहा कि 12 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद समुद्री डाकुओं को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस पर सवार 23 पाकिस्तानी को सुरक्षित निकाल लिया गया, उनका मेडिकल कराया गया और फिर उन्हें जाने दिया गया। आपको बता दें कि नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार ने पहले भी कहा कि सुरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाने के लिए भारतीय नौसेना प्रतिबद्ध है। हाल ही में सोमालिया के तट पर भी समुद्री लुटेरों को पकड़ा गया था। इन्हें लेकर INS कोलकाता भारत पहुंच चुका है। समुद्री लुटेरों को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अरब सागर में अदन खाड़ी में मालवाहक पोतों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने अपने पोत तैनात किए हैं।